How to send money from one bank to another. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकी राज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लक्ष्मी विलास बैंक या फिर किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में आप कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट। दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब एटीएम में जाते हो तब आपको यहाँ पे स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा एटीएम पर। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपना डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड आपको इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के बाद में आपको ऑप्शन आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना पिन आपको यहाँ पे भरना होगा, आपका जो एटीएम का पिन है वो आपको भरना होगा। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा ट्रांसफर। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आपको ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अभी उस बंदे का डेबिट कार्ड नंबर यानी कि एटीएम कार्ड नंबर आपको यहाँ पे भरना है जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जो कि 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर रहता है वो आपको यहाँ पे भरना होगा जिसको आप पैसे भेजना चाहते हो। तो वो भरने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे फिर से आपको वो भरना होगा, दोबारा कंफर्म करना होगा, कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगा, कार्ड नंबर आप रीचेक कर सकते हो एक बार। उसके बाद कितना अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यदि दोनों सही है तो आप कंफर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, आपका अकाउंट करेंट है या सेविंग है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि योर ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीट, कलेक्ट योर रिसिप्ट, यानी कि आपका पैसा जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। आपको एसएमएस के जरिए से भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी के साथ एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकती हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।